आज मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नासिर खान के अनूप नगर स्थित निवास पर पहुंचे, जहां श्री नासिर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खाद्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर नासिर खान के नेतृत्व में मालवी साफा पहनाकर खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वागत किया गया। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने श्री नासिर खान के निवास पर लंच भी किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री तोमर ने कहा कि प्रदेश में और देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आज देश में असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की टेंडेंसी है कि देश में लड़ाओ, भिड़ाओ और राज करो। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री नासिर खान के निवास पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 20 के अध्यक्ष पुखराज राठौर, शहर कांग्रेस महामंत्री कमलेश पटेरिया, शहर सचिव राहुल सिंह ढाकरे, अनिल कामले, तनवीर खान, सचिन नरवरिया, रवि राजपूत, लोकेंद्र राठौर एवं जुबैर खान ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वागत किया। मेरे खाद्य मंत्री और हम मेरे यूथ कांग्रेस के संबंध रहे हैं पुराने 20-25 साल पुराने संबंध, तो वो मेरे से एक कंट्री विजिट होती है उसके लिए मिलने आ रहे हैं मेरे से। और अभी उन्होंने पूरे इंदौर के अंदर भ्रमण कराया है कंट्रोलों का और जो भी गोडाउन थे उनके, और उसके बाद अभी यहाँ से फिर वो कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग करने जाएंगे। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्म सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं और आपसी तालमेल अभी से नहीं आदिकाल से ये हमारी स्थिति चली आ रही है और हम लोगों में बड़ा सामंजस्य है और मैं जाति धर्म के आधार पर काम करने में कम विश्वास रखता हूँ। पहले हम इंसान हैं तो इंसानियत के सारे गुण हम में हैं, उनका पालन हम सबको करना चाहिए। अभी देश में जो माहौल चल रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देश में तो ये जो माहौल पैदा किया है, ये देश में माहौल में आपको जब मैंने आपसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आई है, एक असुरक्षा का वातावरण रहा है। आज लोगों को भय कि मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजूं कि नहीं भेजूं, अहमदाबाद भेजूं कि नहीं भेजूं, कौन सी ट्रेन में कब उद्यम हो जाए, कहां दंगा हो जाए, कहां फसाद हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही टेंडेंसी रही है।